हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन परीक्षा जानकारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्त, अपडेट देने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का मेम्बर बनिए। मेरे द्वारा आप लोगों को नीट, CUET, JEE और ICAR एग्ज़ाम की सभी लेटेस्ट अपडेट समय समय पर प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी। तो दोस्त, आइए आपको बता देता हूँ कि नीट UG 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम रिकॉर्डिंग क्या लेटेस्ट अपडेट। दोस्त, जैसा आप सभी जानते हैं, आप लोगों का जो ऑफिशियली एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट 17 जुलाई अभी तक NTA की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। दोस्त, ये आप सभी लोग पहले से ही जान रहे हैं। एक बात मैं यहाँ यह कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम में भी पोस्टपोन हो जाए तकरीबन 20 दिनों के लिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके लिए ढेर सारे रीज़न, आप सभी जानते हैं कि जो कि CBSE का जो बोर्ड एग्ज़ाम जून के 2nd वीक तक चलने वाला है, इसके बाद जून में ही आप लोगों के JEE सेशन 1st और जुलाई 20 से आप लोगों के JEE सेशन 2 का एग्ज़ाम होगा और CUET का एग्ज़ाम भी उसी के दौरान होने वाला है। और तो इसलिए ये एक तरीके से पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है कि इन सभी एग्ज़ाम को केवल 2 महीने के अंदर ही कंडक्ट करवा लेना, क्योंकि आप सभी एस्पिरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कि आप CUET एग्ज़ाम की तैयारी करें, JEE एग्ज़ाम की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें या फिर ICAR जो कि एक एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर के लिए, वो इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। और एक दूसरी बात ये भी है कि आप लोग ये जानते हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो हमेशा से JEE एग्ज़ाम के बाद होता है, लेकिन इस बार वही हो ये रहा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम JEE सेशन 1st एग्ज़ाम होने के बाद और JEE सेशन एग्ज़ाम 2 के होने से पहले आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा NTA की तरफ से। तो इस बेसिस पे हम ये बता रहे हैं कि आप लोगों का जो नया एग्ज़ाम डेट हो सकता है वो 8 अगस्त से लेके 10 अगस्त के बीच कभी भी हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली जो NTA के द्वारा अभी डेट बताई गई है, आप लोगों को वही मान के अपनी पूरी तैयारी को अच्छी तरीके से करना है। तो दोस्त, ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।